नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज़ का स्पोर्ट्स पेज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कोलंबो में ये मुकाबला हो रहा है, एशिया कप का सुपर फोर का ये मुकाबला है। और जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो हम सब जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में किस तरह से क्रेज़ है दोनों देशों के मैच के बीच का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट बताते चलूँ कि अभी बारिश हो रही है और बारिश तेज़ हो रही है, कहीं तो कहीं ना कहीं दर्शकों में जो उत्साह वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि देखिए, बारिश अगर आ जाती है, मैच नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट जो है एक एक पॉइंट दोनों टीमें में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर भारतीय टीम ही अगर मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में जाने के उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। कल ये मुकाबला कोलंबो में शुरू हुआ था, एक दिन रिजर्व रखा गया था। देखिए, इसमें दो अपडेट है, एक ये जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है उसके लिए रिजर्व डे, दूसरा जो फाइनल मैच होगा उसके लिए रिजर्व डे रखा गया, और बाकी कोई भी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट कि आज विराट कोहली ने 47वां शतक, ओडीआई 47वां शतक लगा दिया है। सचिन तेंदुलकर का बात करें तो उन्होंने 49 शतक ओडीआई में लगाए हैं, वहीं विराट उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, 47 शतक उन्होंने लगा दिया है। और कुल मिला के इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो उन्होंने 77वां शतक यहाँ पर लगाया है। साथ ही केएल राहुल की बात करते हैं, उन्होंने तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद वो टीम में उन्होंने वापसी की अय्यर, और सबसे बड़ी बात है लास्ट 15 मिनट, टॉस के 15 मिनट पहले पता चला कि अय्यर मैच में नहीं खेल रहे हैं और केएल राहुल को टीम में लिया गया, और उन्होंने पूरा देखिए उसका पूरा सदुपयोग किया है, शतक लगाया है पाकिस्तान के खिलाफ, और विराट कोहली के साथ 233 रनों की विराट साझेदारी भी किया। देखिए, एशिया कप में अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो 233 रन का जो रन है वो सबसे बड़ी हाईएस्ट पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत की ये सबसे बड़ी साझेदारी है। साथ साथ मैं अपडेट इसमें दे दें, विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा आज रिकॉर्ड भी बनाया, 13,000 रन बनाने वाले वो सबसे फास्ट बल्लेबाज भी हैं, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रिकॉर्डों की झड़ी लगा दिया आज मैच में। बात करें तो रिकॉर्डों की झड़ी लगाई है। वहीं पर अगर बात करें तो गेंदबाजी में, तो भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत शानदार रही, और वो देखिए सबसे पहले इमामुल हक जो है वो बुमराह के शिकार बने, उन्हें दूसरे स्लिप में कैच आउट करवाया। साथ ही बाबर आजम जो वर्ल्ड क्लास के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और देखिए 9 रन बना के वो हार्दिक पांड्या की गेंद क्लीन बोल्ड हो गए। जब से वो बल्लेबाजी करने आए थे पहले ही गेंद से वो मैच में लग नहीं रहा था, उनके पांव नहीं चल रहे थे, पहले ही बॉल के उनके खिलाफ अपील भी हुई थी बुमराह की, वो गेंद हालांकि वो पिचिंग आउटसाइड लेग थी, नहीं तो वो वहीं पहले ही गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से उनके पांव नहीं चल रहे थे, देखिए बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आता तो पता चल जाता है कि बॉल आपके बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी देखिए कम से कम 24 बॉल उन्होंने खेला, 2 चौके लगाए थे, 20 बॉल लगभग उन्होंने डॉट किया, और जो सिराज और बुमराह ने जो सेट किया था, मोमेंटम जो सेट किया था, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को मिल गया है, और उन्होंने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शानदार गेंद डाली है और क्लीन बोल्ड बाबर आजम हो गए। मैच अभी 44 रन पे है, 2 विकेट पाकिस्तान का गिरा है, बारिश आई हुई है, तो उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बारिश छूटे और दोबारा ये मैच शुरू हो। बने रहिएगा मेरे साथ एपीए न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज पर, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा।